नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राफ्टेड प्लांट और गुटी कलम से जो पौधे तैयार होते हैं उनमें खासियत क्या होती है, और ग्राफ्टेड प्लांट और गुटी कलम वाले प्लांट ही हमें क्यों अपने टेरेस गार्डन पर और ज़मीन पर लगाना चाहिए। पूरा वीडियो दोस्तों इसी पर है और मैं आपको बहुत सारे पौधे दिखाऊँगा इसके माध्यम से, समझाऊँगा कि ग्राफ्टेड प्लांट क्यों हमें अपने खेतों में अपने गार्डन में लगाना चाहिए, या गुटी कलम वाले पौधे क्यों लगाना चाहिए, क्या खासियत होती है, और बीज वाले पौधे क्यों नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे नर्सरी वाले जो है ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग प्लांट के बदले में कोई अन्य पौधा दे देते हैं, तो इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप अगर पूरा देख लेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आपको दिखा सकूँ। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं ये अल्फांजो मैंगो का है, जिसे हाफूज मैंगो भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको मैं दिखा दूं एक एक प्लांट, ये देख लीजिए दोस्तों, ये प्लांट मैंने यहाँ निकाल के रख लिया है और इसकी पत्तियाँ देख लीजिए, पहचान लीजिए, और ये देख लीजिए यहाँ से ग्राफ्ट है। ग्राफ्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि इस प्लांट में जो ये मदर प्लांट से निकाल के टहनी इसमें जोड़ी गई है, इसमें फल आ रहा था। और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये सीड वाला पौधा होता है, इसे रूट स्टॉक बोलते हैं, बीज वाला पौधा। इस बीज वाले पौधे पर एक टहनी जोड़ी गई, ये पौधा तैयार कर लिया गया, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग विधि। दोस्तों आप समझ गए होंगे और मैं इसीलिए बताता रहता हूँ अपने वीडियो में कि ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दी फल फूल आ जाता है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये लॉट जो देख रहे हैं अल्फांजो मैंगो की है, और ये सब पैकेट में लगा हुआ है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ अन्य पौधे भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर देख लीजिए ये क्रस्टेड एप्पल करीफे का प्लांट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। और ये दोस्तों देखिए यहाँ से ग्राफ्ट है, प्लांट देखिए हरा भरा है, और ये गमले में लगेगा या ज़मीन में लगेगा, जल्द ही फल फूल दे देगा, 6 से 8 महीने में ही इसमें फल लग जाएगा। तो ये बताने का एक मकसद है, आप देख लीजिए दोस्तों बहुत सारे प्लांट आपको दिखा रहा हूँ। ये पीस का प्लांट है दोस्तों, ये एयर लेयरिंग प्लांट है, यानी कि गुटी कलम से तैयार किया, यानी कि इसमें जड़ निकाली जाती है, ऐसी विधि से ये तैयार किया गया है। कुछ प्लांट एयर लेयरिंग होते हैं और कुछ ग्राफ्टेड होते हैं। तो आप समझ लें जैसे नींबू है, मौसम्मी है, संतरा है, इनके अधिकतर प्लांट जो होते हैं ये एयर लेयरिंग वाले होते हैं, बाकी टाइम की लॉट लगी हुई है, ये ऑल टाइम मैंगो है। और इतने ही छोटे प्लांट में फल आने का कारण क्या है मैं आपको बता दूं, इसका ग्राफ्टेड होना। जी हाँ दोस्तों, इतने ही छोटे प्लांट में अगर फल पकड़ लेता है तो इसका कारण होता है ग्राफ्टेड होना। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए छोटे से प्लांट में भी फ्रूट पकड़ लेता है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये छोटा सा पौधा, ये देख लीजिए दोस्तों, हालाँकि छोटे पौधे में फ्रूट नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें फ्रूट बन गया है और इसमें फ्रूट पकड़ लिया है, और ये बहुत पुराना पौधा नहीं है, ये देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है। तो वीडियो का खाली एक मकसद है आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए छोटे से पौधे में भी आम पकड़ लेता है। अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट अपने गमले में या खेतों में लगाएंगे तो जल्द से जल्द फल और फ्रूट आ जाएगा। तो मौसम्मी नींबू संतरा में तो आप गुटी कलम वाला पौधा यूज़ कर सकते हैं, मगर आम में जो है सिर्फ ग्राफ्टेड प्लांट है। सामने जो पौधा आप देख रहे हैं ये चीकू का पौधा है, और चीकू का पौधा दोस्तों जो है खिन्नी के पौधे पर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, और वैरायटी काला पत्ती चीकू बढ़िया होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिकेट बाल भी बढ़िया होता है। तो ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। और दोस्तों जो अनार का पौधा होता है मैं आपको बता दूँ, ये एयर लेयरिंग विधि से तैयार किया जाता है, यानी जड़ निकाल के तैयार किया जाता है। और अनार का पौधा बहुत मजबूत पौधा होता है और टेरेस गार्डन पर लगाने के लिए ख़ास तौर पर उपयुक्त पौधा है। और वैरायटी गणेश सुपर भगवा, जो कि बहुत बढ़िया वैरायटी है, आप देख लीजिए। और दोस्तों कुछ प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लीची का प्लांट है, दोस्तों देख लीजिए लीची, ये चाइना लीची है और बहुत बढ़िया होती है। ये जो आप लॉट देख रहे हैं मैंगो का, ये है दोस्तों वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट, यानी कि बहुत बढ़िया है कटहल की वैरायटी। और आप देख सकते हैं ये प्लांट ग्राफ्टेड है, मैं आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए इसका ग्राफ्ट। और ग्राफ्टेड प्लांट में जल्द ही कटहल लग जाता है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। और दोस्तों ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये है चेरी का प्लांट, और ये है बारबाडोस चेरी। और कुछ पौधे आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा,
ये है स्वीट कमरक दोस्तों, देख लीजिए ये स्वीट कमरक है। ये देखिए फ्रूट आ चुका है, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग चल रही है। ये छोटा सा जो है पैकेट है, इसी पैकेट में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट में चल रही है। देख लीजिए यहाँ भी फ्लावरिंग चल रही है और बहुत बढ़िया वैरायटी है। ये है मुजफ्फरपुर लीची का, ये देख लीजिए दोस्तों मुजफ्फरपुर लीची। और ये है मल्लिका, मैं आपको मल्लिका मैंगो दिखा रहा हूँ, ये आगे लगा हुआ है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए ये है मल्लिका मैंगो। पौधे एयर लेयरिंग से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिखा दूँ, ये है चाइना अमरूद, देख लीजिए दोस्तों क्लोजअप में दिखा रहा हूँ, ये चाइना अमरूद है। और ये जो बेर का पौधा होता है, ये थाई बेर है, जो बड़े बड़े बेर आते हैं वो बेर है, फ्लावरिंग चल रही है। और इस बेर में मैं आपको खासियत बता दूं कि जो है ग्राफ्टिंग विधि से ही तैयार किया जाता है और बहुत बढ़िया इसमें फ्रूट आता है बड़े साइज का। ये है आपका लेमन, ऑल टाइम लेमन इसे बोलते हैं, और आप देख लीजिए। और दोस्तों ये जो आप अमरूद की वैरायटी सामने देख रहे हैं, ये गूटी कलम से तैयार किया हुआ, यानी एयर लेयरिंग वाले प्लांट हैं। और आपको दिखा दूँ छोटे से ही पौधे में फ्लावरिंग आ रही है, ये है ताइवान पिंक, ये देख लीजिए दोस्तों खासियत, इस वैरायटी की खासियत देख लीजिए, एयर लेयरिंग विधि से छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग स्टार्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने वाला पौधा है अमरूद का, ताइवान पिंक पीछे भी लगा हुआ है, और इसी के जस्ट बगल में ये लगा हुआ है ग्राफ्टेड आंवला दोस्तों, ये देख लीजिए ग्राफ्टेड आंवला। और इसी के बगल में ये है वेमिल ऑल टाइम मैंगो, ये देख लीजिए दोस्तों, और ये भी ग्राफ्टेड है। और दोस्तों ये है वाटर एप्पल, ये ग्राफ्टेड नहीं होता है, ये एयर लेयरिंग का होता है। और इसमें दो तरह की वैरायटी होती है, एक साल में दो बार लगने वाली और एक बार लगने वाली। एक रेड ऑल टाइम वाटर एप्पल है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख लीजिए रेड ऑल टाइम वाटर एप्पल, और ये भी वाटर एप्पल है मगर ये ऑल टाइम। दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड एवोकाडो है, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से ये ग्राफ्ट है, यहाँ से ये ग्राफ्ट है, और यहाँ से ये ग्राफ्ट है, और ये है ग्राफ्टेड एवोकाडो का प्लांट, ये देख लीजिए दोस्तों। और बहुत ही जल्दी इसमें एवोकाडो लग जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये नींबू जो होते हैं बड़े साइज के, छोटा सा पौधा, वैरायटी इतनी बढ़िया है कि आपको मैं दिखा दूं गुच्छों में, देखिए कितने फल लगे हुए हैं, बहुत फल पकड़ता है ये, ये देख लीजिए बड़े साइज़ का नींबू इसका होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ये देख लीजिए। और ये जो बेताबी लेमन की तरह ही होता है, लेकिन अब देखिए इस वक्त फूल आ गया है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फ्लावरिंग का समय है, और फिर भी फ्लावरिंग इसमें चल रही है, बहुत बढ़िया है। और इसी के बगल में ये शरीफा है क्रस्टेड एप्पल, ये सब ग्राफ्टेड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए शरीफे का पौधा गमले में लगा हुआ है और ग्राफ्टेड है। दोस्तों नर्सरी वाले काफ़ी अच्छी तरीके से प्लांट की केयर भी करते हैं, आप देख लीजिए। और ये है कटहल का पेड़, देख लीजिए कितना बढ़िया कटहल है। और इसी के बगल में दोस्तों ये जो प्लांट लगा है, ये है ग्राफ्टेड किन्नू, देख लीजिए दोस्तों किन्नू का पौधा, और ये ग्राफ्टेड है। और ये है दोस्तों रेड पाल्मर मैंगो, दोस्तों देख लीजिए ये रेड पाल्मर मैंगो है। दोस्तों ये सामने जो पौधा आप देख रहे हैं करौंदे का पौधा है, और देखने में इसका फ्रूट जामुन की तरह लग रहा है, जी हाँ दोस्तों जामुन की तरह, लेकिन ये खट्टा करौंदा है और एक मीठा करौंदा आता है, जिसका कि मैंने एक बार नवद नर्सरी जब मैं गया था तो वहाँ देखा था, तो कई तरह के करौंदे में भी कई वैरायटी आती है, तो आप देख लीजिए। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है, फिलहाल ये फ्रूट देखिए ब्लैक ब्लैक है, और ये करौंदे का पेड़ है, और काफ़ी करौंदे यहाँ पर हैं मौजूद हैं। और दोस्तों जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसमें जल्दी फल फूल आ जाता है, एयर लेयरिंग में भी जल्दी फल फूल आ जाता है, लेकिन बीज वाले पौधे में दोस्तों 5 से 6 साल लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि फल का साइज़ कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी आप नर्सरी में जाएँ तो ग्राफ्टेड ही प्लांट देख रहे हैं, ये क्रस्टेड एप्पल का मदर प्लांट है, और इसमें देखिए क्रस्टेड एप्पल यानी शरीफा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर शरीफा इसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए शरीफा लगा हुआ है और इसमें ढेर सारे शरीफे लगे हैं, ये देख लीजिए अंदर से आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को मैंने कुछ ग्राफ्टेड प्लांट दिखाए और एयर लेयरिंग प्लांट दिखाए,
ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि गार्डनिंग रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।